बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। सबसे पहले तो सुभान अल्लाह और जज़ाकल्लाह कहना बनता है। इमरान हाशमी ने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमें जॉइन किया है ब्रेक के बाद ग़ुलाम फरीद ने। अस्सलामुअलैकुम बेटा, आपकी तरफ हम अब आएंगे, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले को अब हमने शुरू करना है। और जब हम गुफ्तगू के सिलसिले की बात करते हैं तो आज हम बेसिकली एक बहुत बड़ी नेमत की बात करेंगे। वैसे तो हर सांस, हमारी हर ऑर्गन का चलना, हमारे आपस में जो रिश्ते हैं, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम रब ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू करें तो सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करते रहेंगे, लेकिन नेमतें पूरी नहीं होंगी। लेकिन एक बहुत बहुत बड़ी नेमत पाकिस्तान का वजूद में आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और 27 रमज़ानुल मुबारक की रात थी, तो हमने सोचा कि आज हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो आइए मिलते हैं अपने राउंड स्कॉलर्स से। और ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो कुछ अरसा प्रोग्राम में मेरे को होस्ट होते हैं और कुछ हमें गाइड करने के लिए कुछ बहुत सी चीज़ें करते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई साहबजादा काशिफ महमूद, सन ऑफ द ग्रेट वासिफ़ अली वासिफ़। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के एक रिनाउंड प्रोफेसर हैं, एक बहुत ही मतलब वो जो कहते हैं ना कि लर्नड स्कॉलर भी हैं, प्रोफेसर मोहम्मद नवाज़ ज़फर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू। और आपके साथ मेरे एक और बहुत प्यारे भाई अलामा सैयद हसन रज़ा हमदानी, वेरी वेल नोन रिलीजियस स्कॉलर और हमारी रमज़ान की शहरे रमज़ान ट्रांसमिशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। अलामा साहब, आपसे ही बात शुरू करते हैं। अब यहाँ पहुँच ही गए हैं तो यहाँ से वापस ऐसे चल पड़ेंगे। ये बताइए कि आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंट्रो में माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की कि खुदा की नेमात बेशुमार हैं। खुद खुदा कुरान में कहता है इन तहसूहा लन तहसूहा, अगर तुम उन नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार कर ही नहीं सकते। और सूरह रहमान में तो जा बजा कहा फ़बअय्य अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बेशक। तो बहरहाल पाकिस्तान एक ऐसी अजीम नेमत है खुदावंद कि जो मुसलमानान बर सग़ीर की काविश और बाद अज़ मदीना मुनव्वरा, जो यसरब से मदीना तो नबी कहलाया, सबसे मदीना मुनव्वरा के बाद सबसे पहली इस्लामी नज़रियाती रियासत जो इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आई, जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिसको क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फातमा जिन्ना और उनके साथ उनके साथियों ने, मुस्लिम लीग के तमाम उन अहबाब ने, वर्करों ने, शोधा ने अपनी मेहनतों से, शबाना रोज़ की मेहनतों से पाकिस्तान जैसा एक अजीम मुल्क, एक अजीम सल्तनत जो आज गुजरी हुई शब में मार्ज़ वजूद में आया। और जिसके लिए मैं जब देख रहा था तो हमारे ही कबीले ख़ानदान से अलग रखने वाले एक हमदानी इसका ऐलान कर रहे थे रेडियो पर कि पहले उन्होंने ऐलान किया कि ये आल इंडिया मुस्लिम इंडिया रेडियो है, और फिर बाद में जब 12 बज गए तो कहा कि ये रेडियो पाकिस्तान है। तो बहरहाल ये मुसरत का दिन है, खुशी का दिन है, शुक्र खुदावंद का दिन है, तशक्कुर का दिन है कि खुदा ने एक ऐसी अजीम नेमत अता फ़रमाई कि आज हम यहाँ पर इस्लाम के नाम पर जो बना, इस्लाम का तमाम इबादत आज़ादी के साथ बजा ला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वो शबाना रोज़ मेहनत और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वो फ़िक्र और थीम कि जिसके नतीजे में ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। और उन हज़ारों शोहदा की खून का और उन पाक दामन बाइफ्त बाहया और बाकिरदार ख़वातीन की इसमत की कुर्बानियाँ जिसके नतीजे में ये मुल्क हमें हासिल हुआ। आज पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि उन शोहदा के खून को भी याद रखें, उन माओ बहनों बेटियों की उन अपनी पाकिस्तान पर दी हुई कुर्बानी को भी याद रखें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए रमज़ान मुबारक की इस सातों से इस्तिफ़ादा करते हुए दुआ के साथ आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के वजूद की बका और पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी तमाम हिम्मतें जो हैं वो लगा देनी चाहिए। ब्यूटीफुली सेड एंड अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। सर आप तो माशाल्लाह 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 हमारे मुल्क का बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, शेखुल हदीस और तफसीर, आप लोगों को गाइड करते हैं और आपके इतने स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट भी कर चुके हैं और अब वो खुद टीचर्स और प्रोफेसर्स के लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो सर इसी बात को आगे ले जाते हुए आज़ादी, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़रिए से मिलने वाली आज़ादी है क्या। हम इस सवाल को कुरान मुक़द्दस की खिदमत में पेश करते हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल हमें सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाता है, वज़कुरू इज़ अंतुम कलील मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्द तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को और उसके अव्वलीन मुखातबीन सहाबा किराम थे और उनके बाद तबन क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमान इसके मुखातबीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की नेमत को ज़रा याद करो। कौन सी नेमत? इज़ अंतुम कलील, तुम तादाद में बड़े थोड़े से थे, किल्लत तादाद थी, नफरी कम थी। मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्द, ज़मीन में तुम बहुत ही कमज़ोर थे। मुआशरती सतह पर, समाजी सतह पर मुसलमानों की हालत बहुत कमज़ोर थी। तख़ाफ़ून यतख़त्तफ़कुमुन्नास, तुम्हें डर लगा रहता था कि लोग तुम्हारी इज़्ज़त ही उचक के न ले जाएं और तुम्हें उठा कर ही न ले जाएं। ये तीन कैफियतें बयान फरमाई मालिकुल मुल्क ने कि तादाद में थोड़े थे, ज़मीन में कमज़ोर थे, मुआशरती समाजी कमज़ोरी थी तुम्हारे पास, और तीसरी सूरत यह है कि तख़ाफ़ून यतख़त्तफ़कुमुन्नास, तुम्हें डर लगा रहता था कि लोग तुम्हें उचक कर ले जाएंगे, यानी तुम्हारी हैसियत नहीं थी। बेशक मुआशरे के अंदर तुम्हारा कोई मकाम मनसब नहीं था। तो मालिकुल मुल्क ने नेमत क्या फरमाई जिसको याद करवाया कि वज़कुरू नेमत अल्लाह है, वो नेमत क्या थी? फ़आवाकुम, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने तुम्हें पनागाह अता फरमा दी, तुम्हें मावा मलजा अता फरमाई, ऐसी ज़मीन अता फरमाई जिसमें तुम इज़्ज़त व आबरू के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सको और कोई तुम्हारी इज़्ज़त और नामूस को ख़त्म करने वाला ना हो और तुम्हारे वजूद को उठा के ले जाने वाला ना हो। तो फ़आवाकुम, उसने खित्ता सरज़मीन अता किया। वअय्यदकुम बिनस्रिही, फिर अपनी ख़ास मदद और नुसरत नाजिल फरमाई और अपनी मदद और नुसरत से तुम्हें वो कुव्वत बख्शी कि तुम्हें किसी का मोहताज ना रहने दिया। किल्लत तादाद के बावजूद भी बड़ी बड़ी ताकतें अपने बेशुमार लश्करों के और साजो सामान के बावजूद तुम्हारा बाल बेका ना कर सकें। वअय्यदकुम बिनस्री, जब मालिक की मदद और नुसरत आई तो फिर तुम्हें मालिकुल मुल्क ने अपनी ख़ास मदद से कुव्वत और ताकत अता फरमाई। ये दो चीज़ें, ज़मीन भी अता फरमाई, मावा अता किया और फिर अपनी ख़ास मदद और नुसरत नाजिल फरमाई जिसके ज़रिए से तुम्हें तक़वियत और कुव्वत बख्शी। बेशक, और फिर कुव्वत बख्श कर वरज़क़कुम मिनत तय्यबात, तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ अता फरमाया, यानी वो जो कमज़ोर मईशत थी तुम्हारी, उस कमज़ोर मईशत को मुस्तहकम मईशत में तब्दील फरमा दिया। वराज़क़कुम मिनत तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। और मालिकुल मुल्क ने ये सारी चीज़ें अता फरमाई ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनो और उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करके अपनी जबीन न्याज को उसकी बारगाह में झुकाओ। मैं जब ये आया मुबारक तिलावत करता हूँ तो ये आया मुबारक के अव्वलीन मिसदाक तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे, जो मक्का मुकरमा की सरजमीन पर किल्लत तादाद का भी शिकार थे और ज़ोफ़ फिल अर्द भी था, ज़मीन में कमज़ोरी थी, कुव्वत व ताकत नहीं थी, उनके पास कोई इस्तेकाम नहीं था, कमज़ोरियाँ थीं। और तखाफ़ून या तखत्तफ़कुमुन्नास, लोग उचक कर कहीं ले जाएं वो ज़ालिम वो जाबिर काफिर जिनको सल्तनत ताकत कुव्वत हर तरह का इख्तियार था। वो चाहें तो किसी को पकड़ कर अंगारों पर लिटा दें, चाहें तो किसी के वजूद को दो ऊँटों के साथ मुखालफ समर में बांध कर उसके जिस्म को चीर दें। तो ये वाली कैफियत थी। तो रब्बे जुल जलाल ने तुम्हें अपनी ख़ास नेमत से नवाजा, ज़रा उस नेमत को याद करो। और वो नेमत क्या हुई? वो रब्बे जुल जलाल ने रियासत मदीना की शक्ल में अपनी नेमत तमाम फरमाई। सुभान अल्लाह। जब ये कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ते हैं तो हमें बज़ाहिर पहले नंबर पर सहाबा-ए-किराम मुखातब नज़र आते हैं कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब फरमाया, लेकिन इसकी अगर मानवी इतलाक़ को, क्योंकि कुरान मुकद्दस सिर्फ़ 14 सदियाँ पहले के लिए नहीं था, क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानियत और तमाम मुसलमानों के लिए है। बिल्कुल। हम आज ये किधर किस तरह अप्लाई करता है, हम इसकी तरफ आएंगे। अभी यही तो बात मैं अभी करने लगा हूँ। अभी ये मैंने जो इतलाक़, अभी मैंने इसका इतलाक़ करना था, तो ये मैंने अभी इसका माना। अव्वल मिस्दाक सहाबा किराम हैं। और जब आज हम इस आया मुबारक को तिलावत करते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि रब्बे जुल जलाल ने ये आया मुबारक मुसलमानान हिंद के हवाले से नाज़िल फरमाई और उनको याद करवाया, क्योंकि ये कुरान मुकद्दस क़यामत तक के लिए है और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को मुखातब होता है, मुखातब फरमाता है, खिताब फरमाता है। तो गोया मालिकुल मुल्क ने इस खित्ता सरज़मीन के लोगों को जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहते थे उनको मालिकुल मुल्क खिताब फरमा रहा है, वज़कुरू इज़ अंतुम कलील, कि तुम ज़रा याद करो कि तुम तादाद में थोड़े थे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत में थे, किल्लत तादाद थी। मुस्तदफ़ून फ़िल अर्द, ज़मीन में कमज़ोर भी थे, माली तौर पर मुआशरती सतह पर मुसलमान कमज़ोर थे। तखाफ़ून या तखत्तफ़कुमुन्नास, तुम्हें डर लगा रहता था कि कोई उचक कर ले जाए जी। अब ये तीनों इतलाक़ात हमारे मुसलमानान हिंद के हवाले से मौजूद थे। रब्बे जुल जलाल ने इस पर फरमाया कि हमने तुम्हारी उस किल्लत तादाद को पाकिस्तान बनाकर तुम्हें अक्सरियत में तब्दील किया। माशाअल्लाह। पाकिस्तान अक्सरियत में मुसलमान उस वक़्त बने जब पाकिस्तान की नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। बेशक। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा। कितनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, इतनी खूबसूरत आवाज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नॉट टू से एनीथिंग एल्स बट यू आर सो यंग, बट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको और भाग लगाए, आमीन। जी प्रोफेसर साहब, सॉरी हमें ब्रेक में जाना पड़ा, कुछ इश्तिहारों के भी मसाइल होते हैं जी। आप बात कर रहे थे पाकिस्तान और आज़ादी के हवाले से। मैं गुजारिश कर रहा था कि पाकिस्तान अल्लाह की वो नेमत है जिसके ज़रिए से मालिकुल मुल्क ने हम मुसलमानों को आज़ाद वतन में सांस लेना अता फरमाया। और मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जहाँ एक तरफ हिंदू की भारी अक्सरियत थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मुसलमान इस हालत में अपने उस सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। रब्बे ज़ुल जलाल ने ये एहसान किया कि हमें एक ऐसा खित्ता सरज़मीन अता फ़रमाया जिसका नाम हमने पाकिस्तान रखा। पाक का मतलब पाकीज़ा, अस्तान का मतलब मदीना। ये पाकिस्तान ये मदीना तय्यबा का दूसरा नाम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हम पर एहसान किया क्योंकि आज़ादी के बग़ैर इंसान का दीन सलामत नहीं रह सकता। बेशक पूरी तारीख़ में आप देखें तो यहाँ भी महकूम कौमें अपने नज़रियात को कभी दवाम नहीं दे सकती और ये दीन मुबीन दीन इस्लाम ये वो नज़रिया है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देता है। तो मालिकुल मुल्क ने हमें इस पाकिस्तान की शक्ल में वो नेमत अता फ़रमाई कि जिसके ज़रिए से हम अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ढाल सकें और आज़ादी का सांस लेकर अपने आप को उस दीन के ताबे बनकर अपनी दुनिया भी संवार सकें और अपनी आखिरत भी संवार सकें। बेशक बेशक, वेरी वेल सर प्रोफेसर साहब जी। काशिफ भाई, करम की एक नज़र हो जाने आलम या रसूल अल्लाह, सलामी दे रहा है सब्ज़ परचम या रसूल अल्लाह। 14 अगस्त 1947, 27 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमेरात, और आज भी जुमेरात है, 27 रमज़ानुल मुबारक है, और मैं आपको और पूरे पाकिस्तान को आज यौम आज़ादी मुबारक पेश करना चाहता हूँ। मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं कभी कहूँ कि ऐसा भी हो कि चूँकि हम लोगों की सारी जितनी मोहब्बतें हैं इस्लामी महीनों के साथ हैं, जितने हमारे औलिया अल्लाह के दिन मनाए जाते हैं, बुज़ुर्गों के दिन आते हैं, सब इस्लामी दिनों के साथ। तो आज पाकिस्तान का भी पैदाइश का इस्लामी दिन है। ऐसा हो गए हम दिन में पाकिस्तान की सेलिब्रेशन करें और शाम को अल्लाह के हजूर 27वीं में शुक्राना अदा करें इस दिन का। इस दिन को भी इस हवाले से याद ज़रूर रखना चाहिए। ये इसकी तारीख थोड़ी सी पहले से शुरू हो जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक प्लान वर्क है। सरवर कायनात आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुझे इस खित्ते से ठंडी हवाएं आती हैं। तो ये उस वक्त से बात कहीं शुरू हुई हुई है और आज से 700 साल पहले एक बहुत बुज़ुर्ग हस्ती इस खित्ते में आई। उन्होंने एक जगह थी यहाँ पे, उसका नाम था अजोधन। और अजोधन अजोधन जी, और उसका नाम तब्दील करके उन्होंने रख दिया पाक पतन। और वो थे हजरत बाबा फरीद गंदे शकर रहमतुल्लाह अलैह। तो सरकार फरमाते कि पाकिस्तान की पहली इब्तदा अजोधन से हो चुकी थी, जो मदीना, तो जैसे फरमाया अभी प्रोफेसर साहब ने कि सरकार का नाम भी जी, सरकार का नाम भी लें जी, हाँ जी, वासिफ़ का नाम ले लें जी जी। वासिफ़ साहब ने फरमाया कि जो मतलब मदीनातुल मुनव्वरा का है वही मतलब पाक पतन का है और वही मतलब पाकिस्तान का है। ये तीनों एक ही मतलब में है। इसमें तवज्जो आक़ा दो जहाँ सरवर कायनात की ख़ास तौर पर रही, उनकी बड़ी मेहरबानियाँ रही इस तख्लीक़ पाकिस्तान में। और ड्यूटी लगी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की कि वो इसको ख़याल के तौर पे पेश करें, और बाकी ड्यूटी लगी मोहम्मद अली जिन्ना क़ायदे आज़म की कि वो इसको तख्लीक में लाए। क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो उनको कहता हूँ जी कि उन्होंने इखलास, जो एक चीज़ चाहिए थी पाकिस्तान को सबसे बड़ी, कि एक मुखलिस आदमी चाहिए, और आज भी चाहिए हमेशा की तरह। सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इतना इस्लाम काफ़ी है जितना मोहम्मद अली जिन्ना के पास था। एन इखलास, बहुत इखलास के साथ पाकिस्तान की सारी जो पहले से काविशें चलती आ रही हैं, जो अब चलती आ रही हैं, ये सारी आके इज्तिमा हुआ और पाकिस्तान का मार्ज वजूद में आया। ये इत्तफाक़ नहीं है, ये बड़ी ख़ास तवज्जो है, क्योंकि जब पाकिस्तान की तकमील हो रही थी तो कई रियासतें थी बीच में शामिल, और उस वक्त कई रियासतों के जो यहाँ के सरबराह थे, मालिक थे, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि हमें हजूर पाक की बशारत हुई है और उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि आप क़ायदे आज़म के साथ इस मुमलिकत में शामिल हों। तो यानी कि नज़र आता है कि ख़ास तौर पर हजूर पाक की ख़ास मेहरबानी रही कि इस खित्ते की तकमील की जाए। ये जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि ये दूसरा वो मुल्क है कि जो इस्लाम के नाम पर ख़ास तौर पर, और इसको इस्लाम का कला कहा गया है, कि ये आने वाले वक्तों में भी एक बहुत अहम किरदार दुनिया में हमेशा अपना रखेगा। आज चाहे हम किसी भी शक्ल में हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत बड़ी बशारतें हैं। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने एक बहुत खूबसूरत फ़िक्रा कहा है, आपने कहा है कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अलामा सैयद हसन रज़ा हमदानी साहब से जानेंगे कि कायद का पाकिस्तान, हम बड़ा लूसली ये टर्म यूज़ करते हैं, कायद का पाकिस्तान, कायद क्या ये कायद का पाकिस्तान है? अगर नहीं है तो कैसे बनाया जा सकता है? ब्रेक के बाद। रहमान रहीम, वेलकम बैक व्यूअर्स। अब ब्रेक के बाद हमें जॉइन किया है आपकी, मेरी, हम सब की फैमिलीज़ का एक ऐसी पर्सनालिटी, एक्चुअली पर्सनालिटी से ज़्यादा उनकी आवाज़ जो है वो हम सब की फैमिलीज़ की, हम सब के दिलों की, हम सब की रूहों का हिस्सा है। बहुत ही कम उम्री में माशाल्लाह माशाल्लाह उस्ताद का स्टेटस और लेवल हासिल किया, और म्यूज़िक वर्ल्ड में उस्ताद का लेवल इतनी छोटी एज पे हासिल करना यूजुअली एक अनहर्ड ऑफ बात होती है, लेकिन ये ख़ुद के आपने आपको बुलाएंगे, सारी दुनिया इनको बुलाती है, और माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इन्होंने। उस्ताद आसिफ अली संतू हमारे साथ हैं और उनके हमनवा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के दिन की मुनासबत से कोई पैगाम देंगे आप? जी, आज का हमारे लिए डबल डबल बरकत है, ये बड़ी बहुत बड़ी बरकत है रमज़ान शरीफ की, और उसके साथ जो आज के दिन पाकिस्तान का जो एक बुनियाद रखी गई, तो मैं समझता हूँ कि हम बड़े खुश नसीब लोग हैं, कम ऐसे ख़ित्ते में अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और इस तरह के कल्चर में हमें पैदा किया कि जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहले बैत सहाबा कराम का और ख़ास तौर पे औलिया कराम का यहाँ पे ज़हूर हुआ, और इस तरह की हस्तियाँ हमें मिली, लामा साहब जैसी, लामा इकबाल जैसी, कायदे आज़म जैसी हस्तियाँ हमें मिली, और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें यहाँ से, हमें हर हक़ है, हम हर तरह यहाँ पे जो पूरा फ्रीडम है, यहाँ पे एक जीने का हक़ है। हम बल्कि यही बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आसिफ भाई, बल्कि अपनी गुफ्तगू को अभी रैप अप करते हैं, क्योंकि फरमाइश कल बड़ी प्यारी सी एक आई, एक आपकी बहुत यंग फ़ैन है अपने टीन्स में, कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि आसिफ भाई पूरे प्रोग्राम में बस कवाली ही सुनाते रहें। मैंने कहा बेटे वो फिर कॉन्सर्ट हो जाता है, और वो एक फ़र्क बात होती है, और वो एक फ़र्क महफिल होती है। जी जाहिर बात है। तो इंशाल्लाह कभी हम ऐसा भी प्लान करेंगे कि इसी टाइप की चीज़ को हम करें, और मैं ही उसको होस्ट करूँ इंशाल्लाह। अपने भाई के साथ के लिए होस्ट करना एक बहुत बड़ा ऑनर है। किसी मेरे लिए खुद एजाज़ है जी, मैं अपनी बहन के साथ, मेरी बहन है, मैं इनको अपने दिल से बहन कहता हूँ, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा टैलेंट, और इनकी ये बहुत, मैं समझता हूँ आजिज़ औरत हैं और बड़ी मेरी बहन, अल्लाह इनको और इज़्ज़त और अपने घर की खुशियाँ अता करे। थैंक यू सो मच भैया। ओके नमन साहब, आपकी तरफ आते हैं गुफ्तगू को रैप अप करते हुए। कायद का पाकिस्तान कहना बड़ा आसान है, लेकिन उस बात पर पूरी तरह उतरना ज़रा मुश्किल, क्या कहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये तहरीक का हिस्सा बने, यानी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और फिर मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली, और फिर इसको शबाना रोज़ मेहनतों को दवाम दिया, और उनके साथ फिर बहुत से नवाब, मसलन नवाब ऑफ भावलपुर, नवाब ऑफ इलाहाबाद जो है वो उनके साथ मिले, और बहुत से राजाओं ने उनका जो साथ दिया, और बहुत से उलमाए कराम ने और पीराने पीर ने उनका साथ, पीरों ने उनका साथ दिया, गद्दी नशीनों ने, और फिर वो एक काफ़िला ले कर ऐसे चले, और फिर उनके रास्ते में रोड़े भी अटकाए गए, कभी मज़हब के नाम पे, फ़िरका वारियत के उन्वान पे कि ये शिया है, और फिर जब कायदे आज़म से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान उस ज़माने का जो नबी अकरम के ज़माने का मुसलमान होता, कि ना वो शिया था ना वो सुन्नी, वो सिर्फ मुसलमान था। और फिर वो इस्लाम से लगन भी उस तरह से, ज़ाहिरन तो उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी थी, क्लीन शेप थे, लेकिन उनका ड्राइवर, उनके खानसामा बताते हैं कि वो शब जिंदादार थे, रात को नमाज तहज्जुद भी पढ़ा करते थे और इस्लाम के इस तरह से पासदार थे कि 21 रमज़ान मुबारक को बाकायदा एक जो मीटिंग थी वो उन्होंने इलाहाबाद में मीटिंग होने जा रही थी जो उसको कैंसिल कर दिया। अमीरुल मोमिनीन की शहादत के उन्वान में चूँकि मीटिंग शहादत थी तो कहा आज मैं मीटिंग नहीं करूँगा। तो बहरहाल एक नडर, बेबाक और बहादुर इंसान थे और हो ही नहीं सकता कि टीबी का मरीज़ हो और बुखार भी हमा वक्त उसको मौजूद हो, उसकी सेहत भी नातवां हो और फिर भी वो अपनी सेहत को बलाए ताक रख कर बरसगीर के मुसलमानों के लिए, जिनको वो क़ायदे आज़म की निगाह देख रही थी कि अगर ये हिंदुओं के ज़ेर तसल्लुत रह गए तो कल को हिंदू इनके साथ वही हशर करेंगे कि जो गाजर मूली के साथ इंसान करता है, यानी इंसान जानवरों से भी बदतर सलूक होगा। और कल को वहाँ पे रहने वाले मुसलमान बड़े फ़ख्र से कहते थे कि जी हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हम बड़े आज़ाद हैं और ये सेकुलर मुल्क है और ये है वो है। और वो ज़ाहिरन कुछ और होता था, बातनन कुछ और था। कभी वो बाबरी मस्जिद की शहादत के तौर पे वो देख रहे थे, कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म देख रहे थे, किसी आला ओहदे पे जब वो आ जाते तो उनके, और आज मोदी ने वो चीज़ें खोल के सामने कर दी हैं। आज वो मुसलमान पछता रहे हैं कि हमने उस वक्त क़ायदे आज़म का साथ क्यों नहीं दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बसने वाले वो लोग जिन्होंने, जिनके बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके बुज़ुर्गों ने सरमाया खर्च किया है, जिनके बुज़ुर्गों ने जो है अपनी नामूस तक कुर्बान की है, वो आज फ़ख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने उस वक्त सही फ़ैसला किया था। क़ायदे आज़म की क़यादत में हमने एक ऐसा मुल्क हासिल किया था कि जिस मुल्क को इस्लाम के नाम पे बनाया गया था। और क़ायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि आपका मज़हब क्या है, आपकी इबादत का तरीका क्या है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, आप सब पाकिस्तानी। और यही सबब है कि आज पाकिस्तान में हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी और मजहब से तलक रखता हो, वो पाकिस्तानी है। हम उनको पाकिस्तानी भाई कहते हैं, हम उनके साथ भाई का सलूक करते हैं, जबकि हिंदुओं में खुद जात पात का कंसेप्ट आज भी मौजूद है और उनमें वो सात जातें हैं और जो कमतर जात, और मुसलमानों को उस कमतर जात से भी नीचे रखते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं और यकीनन हम समझते हैं कि ये रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातें थी, 27 रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातें कि जो तमाम मुसलमानों की दुआएं कबूल हुईं और ऐसा मुल्क खुदा ने हमें अता किया कि जिसको अगर आप जोग्राफ़ी के उनवान पे देखें, हदूदरबा के उनवान पे, तो ऐसा साहिल हमारे पास है कि जिसके लिए आज दुनिया जो है वो पाकिस्तान को देख रही है कि पाकिस्तान मुस्तकबल में 7 अरब इंसानों को बाहम मिलाने वाला मुल्क बनेगा इंशाअल्लाह। कि जब ये हमारा CPEC बेल्ट बन जाएगा तो 7 अरब इंसानों को, यानी कि एशिया को और मशरक़ को और मगरब को बाहम मिलाने की जो सरज़मीन होगी पाकिस्तान की सरज़मीन होगी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चारों मौसम मौजूद हैं, सहरा मौजूद हैं, समुंदर मौजूद हैं, पहाड़ मौजूद हैं, कुदरती गैस मौजूद है। खुदा की कौन सी नेमत ने जो अल्लाह ने पाकिस्तान में नहीं रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम भी पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और पाकिस्तान की खातर अपनी जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान करने पे हर मुसलमान और हर इंसान, हर पाकिस्तानी तैयार है इंशाअल्लाह। What a beautiful motivational message, लामा साहब। वैसे तो हर जो स्कॉलर होते हैं वो ओरिजिनल मोटिवेशनल स्पीकर्स तो आप लोग ही हैं, लेकिन आई विश कि हमारे यूथ से भी जो कहते हैं ना बड़े फोरम्स पे आप लोग बात करें। और वही वाली बात है कि प्रोफेसर साहब हमारा यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन की ज़रूरत में है, वो कुछ करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आता। हम कायद का पाकिस्तान, इस पाकिस्तान को कैसे बनाएं प्रोफेसर साहब, ये फाइनल क्वेश्चन है। इसके साथ अगर इजाज़त दें तो कायद के साथ अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, मैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत। नहीं नहीं, मैं वो स्टेटमेंट कह रही हूँ जो यूजुअली हम सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। ये पाकिस्तान तो हर पाकिस्तानी का है। और अगर हम, जैसे कि आप लोगों ने हिस्टोरिकल पस मंज़र रिप्रेजेंट किया, ये तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकिस्तान है, उसके बाद फिर बाकी सबका पाकिस्तान ये बनता है। सबसे बड़ी बात तो ये जो आप लोगों ने क्लियर की, लेकिन वो एक टर्म यूज़ होती है ना बार बार अलामा साहब, कायद का पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान। बड़े आराम से कायद का नाम तो ले लेते, अलामा इकबाल का नाम ले लेते कि उन्होंने ख्वाब देखा, उस ख्वाब का हमने क्या किया। बट आपने बिल्कुल सही करेक्शन की कि कायद और गले में डाल दिया और इकबाल के, बिल्कुल, लेकिन हम इसमें बात करेंगे आगे जाके। कायद और इकबाल का पाकिस्तान हम कैसे बना सकते हैं? ये पाकिस्तान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक इनाम के तौर पर अता फरमाया, जैसे ये भाई फरमा रहे थे कि ये 14 अगस्त को वजूद में आया। तो सेलिब्रेशन हम 14 अगस्त को करते हैं, लेकिन इस माह रमज़ानुल मुबारक की भी 27वीं थी जिस दिन ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। तो हम इसको सेलिब्रेट करें और अपने नौजवान नस्ल को ये समझाएं कि हमारी क़ियादतें वो जिन्होंने अमानत और दयानत का वो मेयार कायम किया जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू। उस शख्स का ईमान ही नहीं है जिसमें अमानत और दयानत नहीं है, और ला दीना लिमन ला अमानत लहू, और जिसके अमानत और दयानत नहीं है तो उसका दीन ही कोई नहीं है। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बेस पता फरमाई थी कि हम दयानत के पैकर बने, अमानत के पैकर बने। जब तक हमारी क़ियादत अमानत और दयानत की पैकर थी तो उन्होंने अपनी सारी की सारी बीमारियों को भी छुपा लिया कि कहीं मेरी ये कौम पीछे ना रह जाए। आज हमारी क़ियादतों को छींक भी आती है तो वो इलाज के लिए बाहर पहुंचे हुए होते हैं जी। हमें ये ज़रूरत है ऐसी क़ियादतों की जो क़ायदे आज़म की सीरत व किरदार और अल्लामा इकबाल मुफ़क्किर पाकिस्तान उनकी सीरत के हामिल लोग हों, ताकि ये हमारे नौजवान एक टारगेट बनाएं, एक मंजिल बनाएं, एक ऐसा अपनी सोच और फिक्र में एक ऐसा मीनार समझें रखें जिसकी सीरत को देखकर और उसके किरदार को अपनाकर पाकिस्तान को उस नहज पर ढाल सकें जो ख्वाब उन्होंने देखा था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और जिसकी ताबीर हज़रत क़ायदे आज़म ने ये हमें ताबीर बनाकर पाकिस्तान की शक्ल में दी थी कि हम इसको जो है ना वो आगे लेकर बढ़ सकें। और ये रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक में ये उसी तरह सेलिब्रेट होना चाहिए जिस तरह सेलिब्रेशन हमारी 14 अगस्त को होती है। और इस आने वाली हमारी सारी नौजवान नस्ल को, आने वाली नस्लों को हमें वो पैगाम उस तरह याद करवाना चाहिए। हम छोटे थे, हम कौमी तराना जो है ना वो हर रोज़ स्कूल में पढ़ा करते थे। आज इसम्बली में बात करें तो वो हमारे इसम्बली के कायदीन बैठे हुओं को सिर्फ कौमी तराना नहीं आता है, उनको खुद नहीं आता, तो बच्चे क्या सुनाएंगे और बच्चे क्या सीखेंगे। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को उस किरदार के मुताबिक ढालें ताकि हम क़ायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह और मुफ़क्किर पाकिस्तान की सीरत पर चल कर हम पाकिस्तान को सही मानों में उसी नहज पर ले जा सकें जिसके लिए उन्होंने ये पाकिस्तान बना के हमें दिया था। आमीन आमीन सुमा आमीन। बहुत खूबसूरत बातें की। हमें ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे बहुत प्यारे भाई आज हमें मोटिवेट करेंगे, कवाली विद ट्विस्ट होगी ब्रेक के बाद। और व्यूअर्स, जब हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं 14 अगस्त की, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पब्लिक सर्विस मैसेज ज़रूर दूंगी। सेलिब्रेशन का मतलब वन व्हीलिंग नहीं है बाइक पे, सेलिब्रेशन का मतलब हमारे पाक खूबसूरत मुल्क की झंडियाँ लगा के अगले दिन उनको ज़मीन पे गिरा के उनके ऊपर चलना नहीं है। एक तरीका है सेलिब्रेट करने का, और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि घर में मिलाद रखें, इज्तिमाई दुआएं करें, नमाज के बाद हर बार दुआ, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, ना कि ऊट पटांग हरकतें करके लोगों को भी दिक्कत में डालें और अपनी भी जान जोखों में डालें। ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारे स्कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। आते हैं ब्रेक के बाद। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, कश्मीर शहर रमज़ान इज स्पॉन्सर्ड बाय कामरान स्टील, लेक सिटी एंड सूफी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय शौकत खानम एंड टैंग। हम जब कश्मीर के किचन में आते हैं तो हमारे साथ होते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ ज़ीशान भट्ट, जो इंडिगो हाइट्स होटल एंड स्वीट से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ, आज का हमारा मेन्यू क्या है? आज के हमारे चिकन फ्राइड विंग्स हैं विद अर्जेंटीनियन चिमीचुरी सॉस के साथ। कौन से? अर्जेंटीनियन चिमीचुरी सॉस के साथ क्रिस्पी फ्राइड विंग्स। क्रिस्पी फ्राइड विंग्स, वैसे विंग्स तो सबके बड़े फेवरेट होते हैं और स्पेशली बच्चों के, बट आजकल तो बच्चे भी बड़ों की तरह बिहेव और बड़े बच्चों की तरह बच्चे बड़े हर बंदा इसको शौक से खाएगा। तो इसको बनाने का तरीका जो है जल्दी से अगर हमारे साथ शेयर करें। इसके पहले जो मैं इंग्रेडिएंट्स जो है वो बता देता हूँ। इसमें एग होंगे, ठीक है, बेसल लीव्स होंगे, विनीगर, टोबैस्को सॉस, लेटस, ये हो गया, मिंट, टमाटो के चंक्स होंगे, ग्रीन चिली, गार्लिक का पेस्ट, फ्रेश कोरिएंडर, पार्सले, रेड चिली पाउडर। मैदा होगा इसमें, प्लेन फ्लोर, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर, केचप होगी, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, मस्टर्ड और हॉट सॉस। ये जो विंग्स हैं आपने इनको ब्रेडेड बनाया है। हाँ जी, ये ब्रेडेड होते हैं। हाँ जी, ये वाले, क्योंकि यूजुअली विंग्स जो है वो कुछ ऊपर मैदे की कॉम्बिनेशन लगा। हाँ जी, वो जस्ट कुछ होते हैं इसके वजह से बैटर फ्राइड होते हैं, इसको हम लोगों ने ब्रेड क्रम किया। तो ये हम करके पहले से रख के अगर इसको फ्रीज कर दें तो नहीं, जो चीज़ फ्रेश होती है ना उसका मजा नहीं। वैसे पूछ रही हूँ ना, कभी कभी घर में जिस तरह आप होपफुली कुछ एक दो महीने बाद जब बच्चों को स्कूल बोलेंगे तो विंग्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रीज कर ले, आपने उस दिन फ्रेश बनाए तो क्या ये फ्रीज हो सकते हैं? फ्रीज हो सकते हैं और फिर बाद में इसको फ्राई करके फिर आप सॉस बना। हाँ जी, ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ऑप्शन है ये। इसको मैं बनाने का भी तरीका कर बता दूँ। विंग्स जो हैं इसको यानी एक बॉल लेके ना हमने उसमें अंडे हमने तोड़ने हैं, उसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है। उसके अंदर हम लोगों ने मस्टर्ड डालना है, सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली क्रश, थोड़ा सा विनीगर, थोड़ा सा मस्टर्ड, ये डालने के बाद इसको मिक्स करके हमने थोड़ा सा इसमें वाटर डालना ताकि ना उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ले आए। उसके बाद ये जो इसका मसाला बना होगा हम लोगों ने विंग्स को लगा के इसको फ्राई कर लेना, ठीक है, फ्राई करके इसको रख लेना है। सॉस भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त उसकी रेसिपी है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक आप लोगों ने ब्लेंडर लेना, उसके अंदर आप लोगों ने केचप, हॉट सॉस, टोबैस्को, बेसल लीव्स, मिंट के पत्ते, उसके बाद फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिली, इन सब चीज़ों को डाल के आप लोगों ने इसको ब्लेंड कर लेना, तो वो सॉस जो है ना आप इसकी रेडी हो जाएगी। विंग्स को आप प्लेट में लगा के साथ में इसका सॉस जो है ना वो दे दें। एंड वे गुड टू गो, वंडरफुल। कल बाय द वे कुकीज़ भी बहुत मज़े के थे जो आप लेके आए थे अपनी, स्पेशली जो आपके इंडिगो हाइट्स एंड होटल एंड स्वीट्स की जो बेकरी है वहाँ से, एंड देन उससे पहले केक भी बहुत मज़े का था। तो लाइक आई सेड व्यूअर्स, इनके पास वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वेरियस डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं एंड बेकरीज हैं, एंड इनकी टेक अवे एंड डिलीवरी अभी भी ओपन है, तो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। बाय द वे ईद केक्स ऑर्डर करने का बड़ा अच्छा टाइम है, ये प्री ऑर्डर कर देंगे तो आपको वो आई थिंक डिलीवर भी कर देंगे, राइट? ओके, सो व्यूअर्स एक और बात, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति हम जो डीप फ्राइंग करेंगे और जो जनरली कुकिंग करते हैं वो हम कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में करते हैं। एंड जैसे कि आपका प्यार और खलूस में कोई मिलावट नहीं है, वैसे ही कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति हर किस्म की आर्टिफिशियल अरोमाज एंड फ्लेवर से पाक है। इट्स मेड फ्राम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और इसमें विटामिन ए और डी भी भरपूर है। ए और डी की कॉम्बिनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करती है विद लॉट ऑफ न्यूट्रिशन एंड आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। उसके साथ साथ अगर हम कर्शी जामे श्री की बात करें तो जब हम ये विंग सर्व करेंगे तो ठंडी ठंडी कर्शी जामे श्री सर्व करें, पानी में मिक्स करके साथ नींबू डाल दें, चाहे उसको दूध में सिंपली डाल के सर्व करें। वैसे जब विंग्स इस किस्म के बनाएंगे थोड़े तीखे से, तो इसके साथ अगर आप दूध में बना हुआ जामे श्री सर्व कर देते हैं ठंडा ठंडा बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच शेफ, आपके पास फिर वापस आएंगे कुछ अरसे के बाद ज़रा अपनी फाइनल लुक देखने के लिए। हमारे बहुत ही प्यारे भाई उस्ताद आसिफ अली संतू तो हमारे साथ हैं ही, और हमारे बहुत प्यारे भाई काशिफ भी हमारे साथ हैं, बट उनके साथ साथ हमें हमारे 42 की आवाज़ के नात हुआ और हमारे जो सीनियर नात हुआ हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, तो शहजाद हनीफ मदनी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम अगेन। और आज हम बात करेंगे, लेकिन आई नो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आसिफ भाई ने अभी हमें प्रेजेंट करनी है, तो हम उसकी तरफ भी जाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स मरूब अहमद हमदानी साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हमदानी साहब। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले चलेंगे हम अपने भाई के पास। अच्छा, आप कुछ एक बहुत ही स्पेशल तोहफा लेके आए हैं अपने व्यूअर्स के लिए। जी, मैं आज तराना पेश करूँगा, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी नगमा है, और इसके साथ में मसनवी का जो मौलाना रूम ने लिखी है मसनवी, और उसको उसके साथ मैं मिला रहा हूँ, तराने के साथ पेश कर रहा हूँ आपके साथ। मैं मसनवी पेश कर रहा हूँ इसमें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हुआ जा रहा है 42 की आवाज़ का, और जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, कल 3 कंटेस्टेंट्स को आपने सुना, वो भी हमारे साथ हैं और बाकी के 2 हमारे कंटेस्टेंट्स रह गए हैं। आई डोंट नो कि हमारे जजेस के इस वक्त क्या तासुरात है, लेकिन मेरा तो थोड़ा सा सार रुक रहा है स्ट्रेस के मारे, बच्चों के बारे में सोच सोच के, क्योंकि अब वो 5 इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। बाकी 2 को भी आप सुनेंगे, फिर उनमें डिसाइड करना कि कौन से 3 आगे जाएंगे इनटू द फाइनल। थोड़ी सी आप क्या कहेंगे मरूब साहब, आप वैसे ही ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आप तो बहुत ही अपसेट हो रहे होंगे अभी कि ये 5 में क्या कैसे डिसीजन लें। ये मुकाबला तो बच्चों का होता है ना, बच्चों का मुकाबले के साथ ये हमारा भी मुकाबला हो जाता है आपस में भी ना। हाँ। आप कह रहे हैं नहीं मुझे ये बेहतर लग रहा है, हाँ। वो कह रहे हैं नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम तीनों की राय एक ही जैसी होती है, काशिफ भाई की भी, शहजाद भाई की भी। जब हम पूछते हैं वो भी उसी को कहते हैं, मैं जब पूछूँ वो पूछें तो मैं भी उसी को कहता हूँ। ऐसे ही चलता है हमारा, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल सही है। अच्छा तो ऐसा करते हैं, आपकी अगर इजाज़त है तो बच्चों को बुला लेते हैं, फिर आप दोनों के पैगाम भी हमने लेने हैं व्यूअर्स के लिए आज का। बल्कि बच्चों की तरफ जाने से पहले आप मदनी भाई आपसे शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, बिल्कुल ऐसा क्या कहेंगे आप? जहाँ बहुत सी यानी ख़ास बरक़ात इस माह मौज़म की हम सबको नसीब हुई, वहाँ 27वीं रात को लैलतुल क़द्र की रात को ये हम सब को अर्ज़ वतन पाकिस्तान मिला, और हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने अपने तौर पर इस वतन की हिफाजत के लिए इसके अंदर अपना अपना हिस्सा डालें। मालिक हमारे वतन को हमेशा कायम दायम रखे, इसकी सरहदों की हिफाजत हो, और ख़ास तौर पर दुआ है कि इस मुल्क से जो कोरोना वायरस जैसी वबा आम होती जा रही है, अल्लाह हम सबको एहतियाती तदाबीर करने की भी तौफीक दे और अपने वतन के साथ हमेशा मुखलिस होकर रहने की तौफीक नसीब फरमाए। बिल्कुल सही जी, आप क्या कहेंगे? देखिए अल्लाह ताला के बेशुमार बेहिसाब इनामात हैं, वो बड़ा रहीम व करीम है, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। ये इतना आला महीना हमें अता फरमाया माह रमज़ानुल मुबारक, जो हमारी रहमतों हमारे लिए रहमतों बख्शिशों का मगफिरत का, और इसी महीने में अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा इनाम तोहफ़ा अता फरमा दिया। इसके लिए क़ायदे आज़म अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की हम दोनों की कोशिशों और काविशों से ये पाकिस्तान हमें मिल गया। अगर ये ना होता तो पता नहीं हमारे मुसलमानों का क्या हाल होता। आप देख रहे हैं कश्मीर में मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल, तो हमें व्यूअर्स शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास एक ब्लेसिंग है और हमें उस ब्लेसिंग को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके साथ साथ व्यूअर्स मैं आपको ये भी याद कराना चाहूँगी कि हमारे 3 जो हमारे नाखवा हैं जिनको हमने सुना था, फवाद शेख, महक बतूल, अंतहा नागी हमारे साथ हैं। आसिफ भाई अब बाकी दोनों को सुनने का वक्त आ गया है। इजाज़त सर आपकी। ओके, तो बुलाएंगे हम अली असदुल्ला को, आएँ और बेटा कलाम पेश करें। बड़ा अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा है, पर वो पहले वाला वो जज्बा नहीं नज़र आया आज। कुछ ये भी कॉम्पोजिशन भी अच्छी थी, कलाम भी बहुत अच्छा था। आज कुछ थोड़ा सा जल्दी थी, थोड़ा सा ठहराव में नहीं पढ़ा आपने, फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा आपने जी। आवाज़ तो दर्द है, आवाज़ के अंदर हाफिज़ मजरुद्दीन साहब का ये कलाम था माशाल्लाह, और जैसे कि आगाज़ किया तो आगाज़ में ही कुछ कमज़ोरी थी। स्टार्ट में लग रहा था कि आज ये रोज़ा रखा हुआ है तो यहाँ आवाज़ में कोई ताकत नहीं बन पा रही थी, लेकिन लास्ट एपिसोड का जो प्रोग्राम था वो इनका ही था माशाल्लाह, लेकिन आज काफ़ी जगह कमज़ोर हुए। हाँ जी, काफ़ी जगह पे रोज़ा, और ये बात हमारी अच्छा ये बात जो है ना, जो थोड़ी सी मुझे मैं बार बार ये वैसी बात कहती रही हूँ कि हर कलाम पे हर नातख्वा का, चाहे वो कितना भी सीनियर हो कितना भी जूनियर हो, उस लेवल का कंट्रोल नहीं होता। और हर नातख्वा को पता होता है कि मेरा कौन सा नातख्वा को पता होता है कि मेरे ये 4-5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। होता ये है कि जब वैसी सिचुएशन होती है ना तो बच्चे फंस जाते हैं। अब देखें उस्ताद नुसरत फत अली खान साहब के आप शागिर्द, एंड देन ही इज़ योर फैमिली ऑल्सो। अब हर कलाम हर कवाली जो उन्होंने पेश की है आप उसको उस लेवल पे नहीं पेश कर पाते। बेशक जी, बेशक। और आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत से ऐसे कलाम होंगे जो आप शायद उनसे बेहतर पेश करते होंगे, बिकॉज हर बंदे की स्किल्स फ़र्क होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या वो कह रहा है, तो ये अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी होता है। आपने बहुत बड़ी बात की है। इस मुकाम पे सारे बच्चे पहुंच गए हैं, फाइनलिस्ट हैं ये सारे के सारे, और यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी कामयाबी है। कितने मराहिल से गुजर के आए हैं। जी जी। और मैं तो इस जगह पे यही कहूँगा कि सब माशाल्लाह उस पहली पोजीशन पर हैं कि जो सारे इनाम के हकदार हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वो प्रेशर यहाँ पे आके ज़्यादा बन जाता है। सारी बात है, वो होता है, एक प्रेशर तो होता है। जी बिल्कुल जी। हमारे सीनियर का क्या कहना है? बच्चे में सब जैसे तारीफ़ कर रहे थे ना, सारी बातें अच्छी हैं। एक और ये काम कर रहा था, अंतरा जब लगाता ना उसमें और ऊपर ले जाता, ऊपर वाला हिस्सा इससे फिर ज़रा कंट्रोल में नहीं जाता। आसिफ भाई ऐसे ही होता है ना जी, अंतरे को जब वो ये वो फील पीछे वापस नोट्स पे आते हैं ना, हाँ, उस पोर्शन की थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई। वो कहना जरा, आप जरा अंतरा, थोड़ा सा अंतरा कहना, ऊपर वाला, ऊपर जो ऊपर मिसरा है। वक्त पढ़ने में कुछ फ़र्क था, अभी दोबारा पढ़ा जो थे ना जी, वो अभी भी उसी जगह पर। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना है। सॉरी, मुझे बीच में ये बुरा वाला काम करना पड़ता है जहाँ पे आपकी जजमेंट्स को स्टॉप करके नेक्स्ट पे जाना। थैंक यू मेरा बेटा। अभी फाइनल 3 में आपको हम बुलाएंगे जब हमने बाकी 5 को बुलाना होगा। अब फायजा रसूल साहिबा को हम बुलाना चाहेंगे। फायजा बेटा आ जाइए। फायजा रसूल हमें ज्वाइन करेंगी। और व्यूअर्स बाय द वे, जो फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स होंगे उनको कलाम जो हैं हमारे जजेस मिल के डिसाइड करेंगे और उन तीनों को कलाम इनके डिसाइडेड दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, हमने रेंज भी देखनी है, हमने ये भी देखना है कि सिर्फ अपने सेलेक्ट किए हुए कलाम पे इनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है और इनके दिए हुए कलाम पे कैसी परफॉर्मेंस रहती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने, आपका अंदाज़ भी बहुत अच्छा है और आपका एक नात पढ़ने में एक मुझे एक नया अंदाज़ नज़र आ रहा है। जैसे एक राग को पूरा मद्देनज़र रखते हुए आपने एमन कल्याण को पूरे एक वो जो उसकी जो होती है, हमारी ज़ुबान में कहते हैं एक उसका चलन जो होता है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आप कलाम भी बहुत अच्छा और आपका आवाज़ भी बड़ा सुर में है, बहुत अच्छे है माशाल्लाह। ओके, तो अब इनका ये तो शुरू से हम ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं, इनके वॉइस टेक्सचर ग्राम बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और अदायगी इनकी हमेशा से बहुत अच्छी रही है। आज भी ज़रा सीरियस नोट पे थोड़ा सा ज़रा था कि ठहरावा, थमावा और कंट्रोल था, माशाल्लाह कंट्रोल था जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत। फिर उसको उसी कैफियत में निभाया भी, और उनकी फीलिंग्स बता रही थी कि जो जो वो कह रही थी वो लग रहा था कि किसी से मुखातबत में बात हो रही है। बहुत खूबसूरत जी, कलाम भी बहुत अच्छा था, आवाज़ भी अच्छी है और बच्ची ने बड़ा अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। अल्लाह और बरकत है, तरक्कियाँ दे बच्ची को। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बेटा। आप भी यहीं पे रहेंगी। और अली असदुल्ला बेटा, आप भी वापस आ जाए। हमारे कल के तीनों कंटेस्टेंट फवाद शेख, महक बतूल और ताहा नागी भी आ जाएँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है हमारे जजेस से, प्लीज़ आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है। अब हम सेमीफाइनल्स में हैं, जब आप ये कह देते हैं ना कि ये बंदा नंबर 1 पे है तो ऑलमोस्ट लगता है कि प्री डिसाइडेड है कि आगे फाइनल में क्या होना है। सिर्फ आप लोगों ने अपने 3 उन कंटेस्टेंट्स को जिनको आगे लेके चलना है उनका नाम स्टेट करना है, फाइनल में पता चलेगा कि फाइनलिस्ट हमारे कौन है। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक आप पांचों को, आप पांचों हमारी नज़र में विनर्स हैं और पांचों की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है कल तो, और बस आई कैन जस्ट से बेस्ट ऑफ लक। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी 2 बच्चियाँ और 3 बच्चे हैं। नॉर्मली ये वाला बैलेंस भी नहीं आता, यूजुअली ज़्यादातर लड़के ही होते हैं। मुझे तो हमेशा से बड़ी खुशी होती है कि बेटियाँ आएँ, पढ़ें आगे, और मैं एक इजाफी वोट हमेशा बेटी को देता हूँ। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, काशिफ भाई आप जरा मेरे पास आ जाना, आपको होस्ट बन जाए, जरा आप वहाँ पे जाके आपस में जरा मशवरत कर लें। मैंने लाड में तो अपने भाई को कहा है कि आए मेरे साथ जरा हम गप लगाते हैं, वो फिर ब्रेक के बाद हमने अदला बदली नहीं की भाइयों की। तो अच्छा जी, अब काशिफ भाई जी हमारा आज का जो मतलब प्रोग्राम है, क्योंकि गुफ्तगू फिर आगे हम नहीं कर पाएंगे, क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से जब तक ये हमारे जजेस डिसाइड? मैं आज जी बहुत खुश हूँ, मेरी बड़ी दिली हसरत थी कि 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान के एज ए डे भी इसको सेलिब्रेट किया जाए, और ये शुक्राने का दिन है, अल्लाह के करीब होने का दिन है, और ये इस्लाम जो जिसका फ़लसफ़ा ही हमारा कलमा तौहीद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोग इसी बुनियाद के ऊपर हमने इस मुल्क को लिया है और ये कलमा तौहीद कहने में हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। हक़ की बात, सच की बात पे हमेशा खड़े होने वाले मुहब्बे वतन लोग हैं, सच्चे लोग हैं। और जो आज 27 रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह से आज की पूरी नशरियात टेलीकास्ट की गई जा रही है अभी तक, और सिटी 42 ने जिस खूबसूरत अंदाज में आसिफ संतू ने आपने हमने पाकिस्तान को छोटा सा एक ट्रिब्यूट दिया है, मुझे तो वो 14 अगस्त वाली फीलिंग यकीन करें आज आ रही थी जैसे वो पाकिस्तान पर आज भी वो इंडिपेंडेंस डे ही है 14 अगस्त। मैं तो मेरे लिए तो 23 मार्च, 14 अगस्त और 27 रमज़ानुल मुबारक, ये तीनों दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और एक्चुअली 6, 7 और 8 सितंबर ऑल्सो पाकिस्तान से निस्बत रखने वालों के लिए पाकिस्तान का हर दिन जो है वो कीमती दिन है जी। जब लोग बाहर की दुनिया में जाते हैं देखते हैं कि पाकिस्तान ये दूसरे ममालिक हैं जैसे 3rd ग्रेडेड सिटीजन्स को उस तरह वहाँ ट्रीट किया जाता है, और जब हम अपने वतन वापस आते हैं तो वो जो एक एहसास होता है कि हम ओन करते हैं इस कंट्री को, हमारी यहाँ पे पहचान है, हमारी बुनियादें यहाँ पे हैं, हमारे बुज़ुर्गों के आबाव अजदाद की कब्रें यहाँ पर है, हमारी मोहब्बतें निस्बतें यहाँ पर हैं, तो यकीन माने कि प्राइड भी होता है और साथ में एक वो हमारा दिल भी जो है ना वो साथ महसूस होता है कि अल्लाह ताला की बड़ी बरकतों और मेहरबानियों में एक बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये खित्ता अता किया है जी। और हमारे लिए खुश नसीबियाँ हैं, मेहरबानियाँ हैं, इसकी हिफाजत करने वाला भी अल्लाह ही है। और मैंने यहाँ पे एक बात ज़रूर कहनी है, आज काशिफ भाई की तबीयत नहीं ठीक थी और सिर्फ क्योंकि आज 27 रमज़ानुल मुबारक है और मैंने स्पेशली भैया से रिक्वेस्ट की थी कि आज के दिन नहीं आप मिस कर सकते, और उन्होंने भी कहा कि हाँ इतने दिन साथ गुजारे हैं और ये दिन तो वैसे ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है। और सरकार वासिफ़ साहब की कुछ बातें शेयर करना और जनरली अपनी फीलिंग शेयर करना, अपना हिस्सा डालना आज की खुशी में बड़ा ज़रूरी था। आपकी इजाज़त से अब हम फाइनल कंटेस्टेंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, मुश्किल मरहले की तरफ। फवाद शेख, महक बतूल, तहानागी, अली असदुल्ला एंड फ़ायज़ा रसूल हमारे सेमी फाइनलिस्ट थे। हमारे फाइनलिस्ट के नाम प्लीज़ शेयर कीजिए। जी, फाइनलिस्ट के नाम जो हमने मिल के जो मुशावरत के साथ और हम अल्लाह के हुजूर में इस चीज़ के हैं कि हम जो भी फैसला करें किसी की कोई ना दिलचस्पी हो और अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत दे और हमें अगर कोई हमसे कोई कोताही हो तो अल्लाह माफ़ करे। हमने किसी का हक़ नहीं रखना, ठीक है? क्यों जी? क्योंकि ये इस तरह का फैसला है कि मैं समझता हूँ कि ये, क्योंकि ये सना खानी का मुकाबला है और सना खानी का खिदमत-ए-नात है। तो मैं फिर भी ये कहता हूँ कि बेटा ये कंपटीशन नहीं है, ये आप हुजूर की बारगाह में आपकी हाज़िरी लिखी जा रही है, तो आप ये ना समझे कि कोई पीछे रह गए या कोई आगे चला गया। आप अपने शौक़ को इसी तरह मद्देनज़र रखते हो, अपने शौक़ अपने जज्बे को लगे रहे, ठीक है जी। ये मैंने इन्होंने जो मुझे बताया हमने मुशावरत से किया है। ये जी मैं बोलता चाहता हूँ जी तीनों की कलेक्टिव डिसीजन है आप तीनों की। मैं एक बतूल जी मैं अब वो अभी अनाउंस पहले तरह करते हैं जी, जी हो गया जी। पहला नाम जी मैं एक बतूल बेटी है जी, मैं एक बतूल आगे कदम रखिए बेटा। आप दूसरा बेटा है जी असदुल्ला, अली असदुल्ला जी, और तीसरी बेटी है जी फायजा रसूल। अच्छा, तीसरी बेटी है फायजा रसूल जी, माशाल्लाह। बाय द वे व्यूअर्स, ये पहली दफ़ा हुआ है इतने अरसे में मरूब साहब के 2 बच्चियाँ आगे आई हैं, यूजुअली मैक्सिमम एक बच्ची होती थी साथ में फाइनल 3 में। बहुत बहुत मुबारक हो आप तीनों बच्चों को। अब 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा हमारे साथ आगे जाएंगे। महक बतूल साहिबा आगे जाएंगी, फायजा रसूल साहिबा एंड अली असदुल्ला। बहुत बहुत मुबारक हो। और बच्चों आप दोनों को भी, तहा आपको भी और फवाद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। यू गाइस हैव डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम इसी फोरम पे फिर आपसे मिलेंगे अगले साल, बिकॉज जब इतने टैलेंटेड बच्चे हैं तो फिर इंशाल्लाह मे भी इनकी मजीद प्रैक्टिस से नेक्स्ट ईयर ये फाइनलिस्ट में आए इंशाल्लाह जी। इनके लिए हमारी दुआ है, ये ना समझे कि यहाँ पीछे रह गए, आपको बहुत तरक्की मिलेगी। आप अब यही जज्बा और यही अपनी कोशिश जारी रखें, तो आप इंशाल्लाह उस नाम के सदक़े में आपको बहुत इज़्ज़त और वक़ार मिलेगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम करने जा रहे हैं फाइनलिस्ट के साथ वो ये है, मैं आपको भी बच्चों बता दूं, एक दिन आप लोग वो कलाम पेश करेंगे जो आपको दिए जाएंगे और एक दिन आप वो कलाम पेश करेंगे जो आपकी अपनी सिलेक्शन होगी और उन दोनों के बेस के ऊपर फाइनल डिसीजन 29 को लिया जाएगा। यानी कि 28 को भी आप लोगों को हम सुनेंगे, उस दिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं होगा। 29 को 29 रमज़ान मुबारक को फाइनल डिसीजन होगा। हम आपको अपने हिसाब से भी पेश करने देंगे और हमारी जजेस की भी मर्जी, ताकि दोनों चीज़ें साथ चलें। और फिर हम देखो कि होता है ना कि बच्चों ने अपना कोई कलाम सेव किया होता है कि ये हम इंशाल्लाह जब फाइनल में पहुंचेंगे तो सुनाएंगे, तो हम आपको वो भी मार्जिन देंगे। ये बड़ा सोच समझ के अपर मैनेजमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है कि आप लोगों की बात को 100% रखना है एज जजेस, और साथ में इस चीज़ को भी, ताकि 2 दिन आप लोगों को अपने आप को प्रूव करने का मौका मिले। वैसे तो जिधर आपने अपने आप को प्रूव करना है वहाँ तो आप अपने आप को, जब आपने इस तरफ कदम रखा था तो अपने आप को प्रूव कर ही दिया था। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत मुबारक हो। कोई वर्ड्स ऑफ विजडम जो आप हमारे फाइनलिस्ट को देना चाहेंगे, कोई मशवरा, अब क्योंकि बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ये बच्चे पहुंच गए हैं। जी, मेरे जहन में एक बात आई थी, क्यों ना हम इन तीनों से एक स्थाई सुने जो एक कंबाइन आगे किसी प्रोग्राम में, तो ये भी एक, मैं चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा लोगों को इस चीज़ का हो जाएगा कि ये जिन लोगों को हमने सेलेक्ट किया है आया वो जब इकट्ठे पढ़ेंगे तो उनमें इनको उन लोगों को भी सुनने को पता चलेगा कि कौन बेहतर है। क्या ख्याल है जी? एक कोई ऐसा कलाम बना ले जिसके 3 अशार एक-एक करके पढ़ ले, ऐसे, ताकि एक ही कलाम में तीनों की वो वजाहत हो जाए। ये एक बड़ा अच्छा आइडिया, हम वी विल वर्क ऑन दैट बच्चों। आपको आज पता चल जाएगा कि कल और परसों क्या क्या आपके साथ करना है आगे जाके। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। 42 की आवाज़ अब उस स्टेज पे पहुंच गई है जहाँ पे हर किसी को ना वो हार्ट पैल्पिटेशंस हो रही होती हैं, दिल भी थोड़ा बैठ रहा होता है, खुशी भी होती है, थोड़ा दुख भी होता है। अब अल्लाह खैर करे, अगले 2 दिन क्रिटिकल हैं 42 की आवाज़ के। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दुआ के मरहले की तरफ भी जाना है एंड ऑफकोर्स किचन में अपनी फाइनल डिश की लुक भी देखनी है। आप हमारे साथ रहिएगा। वक्त हो गया जब हम दुआ की तरफ जाते हैं, लेकिन आपकी डिश तैयार है। हाँ जी, हाँ, विंग्स हमारे तैयार हो गए हैं। ठीक है, उसकी गार्निशिंग और प्रेजेंटेशन जो मैंने प्लेट के ऊपर कर दी है वो आप इसको देख भी सकते हैं। साथ में इसकी ये सॉस है जो मैंने बताया था, अर्जेंटीनियन चिमिचुरी सॉस। वंडरफुल, सर्व होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और व्यूअर्स, वक्त का मुकाबला सख्त है, तो आइए चलते हैं आप दुआ की तरफ। मुफ्ती अहमद अली दुआ पेश करेंगे, आप भी उस दुआ का हिस्सा बनिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप हैं खतीब ऑफ द लाहौर ग्रैंड मॉस्क। आइए दुआ की तरफ बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबल नार वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल मर्ज़ी वक़िना अज़ाबल मीज़ान। ए अल्लाह, अब रमज़ान मुबारक ख़त्म होने को है। ए अल्लाह, हमारी बख्शिश का ऐलान फरमा दे, हमारी बख्शिश का ऐलान फरमा दे, हमारी बख्शिश का ऐलान फरमा दे। अल्लाह, तेरे नबी ने फरमाया इफ्तार के वक्त अल्लाह दुआएं कबूल फरमाते हैं। अल्लाह, इस वबा को ख़त्म फरमा दे, इस वबा को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह, तेरे नबी ने फरमाया इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह, हम दुआ करते हैं हमारे मुल्क से सूद की लानत को ख़त्म फरमा दे, बेहयाई को ख़त्म फरमा दे, हमारे कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा दे। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा दे, बिन मांगे अता फरमा दे। अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमरा नसीब फरमा दे। अल्लाह जितने हज़ार दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी कबूर को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह सबकी कबूर को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा, शफ़ाअत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, हमारी तरावी को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी मसाजिद को आबाद फरमा, हमारी मसाजिद को आबाद फरमा। अल्लाह वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ लाखों इंसान एतिकाफ़ बैठा करते थे, रब्बा इस साल वो वीरान पड़ी हुई है। अल्लाह वो काबतुल्लाह जहाँ लाखों इंसान तवाफ़ किया करते थे, आज वो खाली नज़र आता है। दिल में ये बात बर्दाश्त नहीं होती रब्बा, तेरे घर को खाली देखकर। अल्लाह हमें पता है कि हमारे करतूतों की वजह से तो हमसे नाराज़ है। मौला हमें मुआफ़ फरमा दे, हमें मुआफ़ फरमा दे, हमें मुआफ़ फरमा दे। हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान मर्द ख़वातीन मुश्किल के अंदर मुब्तला है, रब्बा सबकी मुश्किलात को हल फरमा, सबकी मुश्किलात को हल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबी अजमईन।